मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जीते किए, द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल समाज के सामने तथ्य आना चाहिए और आएगा। तो वही केरला प्रदर्शन की बात करें, लगातार इसके विरुद्ध वही कुछ लोग हैं इसका विरोध कर, वो कह रहे हैं कि पूरी झूठी कहानी। गजब की बात है, राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो या ये कम्युनिस्ट सेक्युलर नेता, जब इस प्रकार की महिलाओं को लव जिहाद के नाम से जब उनके ऊपर अत्याचार होता है, प्रलोभन दे के मिडिल ईस्ट ले जाते हैं और वहां से महिला वापस आती ही नहीं है, कुछ लोगों को टेररिज्म के और ले जाते हैं, उस समय पर इन लोगों की बोलती बंद होती है। उनको यह सब सिर्फ वोट बैंक है। यहां अपने बतौर में श्रद्धा वालकर का आफ्ताब का जो किस्सा हुआ, एक भी नेता एक शब्द नहीं बोले थे, तो जो बात तक दिखता है जनता के सामने आएगी। मुंबई महाराष्ट्र में कोई भी इतने रुकावट डालने का प्रयास करेगा तो जवाब दिया जाएगा। संजय हिरवे झालेले भगवे त्यांना कुठले कॉमेंट करण्याची गरज नाही, कारण की फक्त इश्यू डायव्हर्ट करणं टीव्ही वर राहणं, आता त्या महाशयांनी किती वेळा शिंदे सरकार पडणार आतापर्यंत गेल्या 8 महिन्यात त्यांनी 88 वेळा सांगितलं। आता मागे 12 दिवसाची मुदत दिली होती, 8 आठवड्याची मुदत दिली होती, म्हणून आता वर्गणा करणाऱ्यांना तिथे राहू द्या। स्ट्रॉन्गली कंडेम द एटीट्यूड ऑफ केरला चीफ मिनिस्टर, द कांग्रेस लीडर, केरला कम्युनिस्ट पार्टी लीडर एंड सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट। ये मुंबई महाराष्ट्र ऑल्सो सेक्शन हैव स्टार्टेड अपीलिंग टू बैन दिस मूवी। द केरला स्टोरी इज द स्टोरी, नो इट इज नॉट अ स्टोरी, इट इज अ ट्रुथ। Let the truth come before the society. 32,000 young girls from Kerala are missing. I have talked with Vipul Amrutlal Saha, the producer of the Kerala Story. He stayed in Mumbai. I have also appealed the Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis to see that the film is allowed to release on 5th Friday in Mumbai, Maharashtra, everywhere. I strongly support the Kerala story. What? The Kerala story. 32,000 महिला केरल मधून गायब होतात, हजारोंना प्रलोभन देऊन किंवा जबरदस्तीने परिवर्तन करून काहींना मिडल ईस्ट मध्ये घेऊन जातात आणि त्यानंतर गायब। याच्यावर ही स्टोरी आहे, ही स्टोरी नाही, कथा नाही, वास्तविकता आहे। काही लोक याचा विरोध करू लागले, राहुल गांधीची काँग्रेस असो की कम्युनिस्ट असो की स्वतःला सेक्युलर म्हणणारे लोक असो, या सिनेमावर प्रतिबंध करण्याची मागणी करीत आहेत, मी त्याचा विरोध करीत आहे। मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माझ्या भावना कळवल्या आहेत। ह्या पिक्चरचं प्रदर्शन शुक्रवार 5 मे पासून होणार आहे महाराष्ट्रात सगळ्या ठिकाणी। जर कोणी या प्रदर्शनात अडचण उभा केला तर त्याचा बंदोबस्त केला पाहिजे अशी मी मागणी केली आहे। या पिक्चरचे प्रोड्युसर विपुल अमृतलाल सहा यांच्याशी पण मी चर्चा केली आहे। लोकांच्या समोर लव जिहाद असू द्या किंवा रेडिकलायझेशन ऑफ केरला यंग गर्ल्स हे असू द्या, टेररिझमचा सपोर्ट करण्यासाठीची एक जी इथे प्रवृत्ती काही लोक करत आहेत, ही स्टोरी लोकांच्या समोर आली पाहिजे। ये राहुल गांधी की कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी जो अपने आप को सेक्युलर कहने वाले लोग लव जिहाद,
32,000 महिलाएं केरल में थे, यंग गर्ल्स गायब हो गई, मिडल ईस्ट ले गया। धर्म परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन, टेररिज्म को बढ़ावा देना, और ये केरला स्टोरी पे प्रतिबंध करने की बात करते मैं उसका निषेध करता हूं। द केरला स्टोरी मुंबई महाराष्ट्र देश में प्रदर्शन होगा, उसका दिखाया जाएगा टुकड़ों। और 5 मई से मैंने फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह से बात की है। कोई भी व्यक्ति इसमें रुकावट डालने का प्रयास करेगा तो उसका बंदोबस्त होना चाहिए। इस प्रकार के अपील मैंने मुख्यमंत्री एकनाथ जी से। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।